गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, आज संस्कृत की क्लास में तृतीय पाठ पर्वतराज हिमालय इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्वतराज हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। संसारे अनेक गिरिया संति। अब संसार में गिरिया मतलब पहाड़ है ना, बहुत सारे क्या है, पर्वत और पहाड़ है। तेषु गिरीषु हिमालय सर्वश्रेष्ठ अस्ति। उन्हीं पर्वतों में से हिमालय जो है वो सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे बड़ा क्या है, पर्वत है। अस्मात् एव कारणत् एव गिरी पर्वत पर्वतराज मान्यते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पर्वतराज कहते हैं। अस्मिन् गिरो सर्वदा हिमपततः, अतः जना तिम हिमालय हिमालयस्य आलय इति कथ्यते। यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। तो ये हिम से क्या रहता है, घिरा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत। भारतस्य पवित्रा नदी हिमालयात् उद्भवन्ति। भारत की जो पवित्र नदियाँ हैं वो क्या से निकलती, हिमालय से निकलती है। हिमालय हिम भवति तद जल रूपेण नदीषु आगच्छन्ति। अब हिमालय पे क्या रहती, बर्फ़ रहती है, तो उसी की बर्फ़ के पिघलने से जल के रूप में वो क्या हो जाती है, नदियों में परिवर्तित हो जाती है। नदियाँ जलेन कृषि भूमि संचनम भवन्ति। अब नदी के जल से हम क्या करते हैं, भूमि का संचनन मतलब कृषि करते हैं। जलेन बिना जीवनम न संभवति, बिना जल के जीवन क्या है, संभव नहीं है। हिमालय खनिजानानि औषधीय च जलेन सह प्रवन्ति, अतः नदीनाम जलम स्वस्थ वर्धक भवन्ति। अब हिमालय से बहुत सारे क्या निकलते हैं, खनिज भी निकलते हैं और बहुत सारी औषधियाँ मतलब दवाइयाँ भी निकलती है। और यहाँ का जल जो रहता है वो जल स्वस्थ वर्धक रहता है, मतलब जल कैसा रहता, स्वस्थ रहता। भारतीय जनाः प्रातः नदी जलेषु स्नानन्ति। भारतीय लोग जो है वो नदी के जल में क्या करते हैं, स्नान करते हैं। हिमालय अस्माकं देशस्य भौगोलिक उत्तर सीमा निर्धारित। अब ये हमारे देश के कौन से उसमें स्थित है, भौगोलिक के उत्तर सीमा में स्थित है। अस्य उत्तरायासाम दिशे तिब्बत प्रदेशः, पश्चिम दिशे च पाकिस्तान देशः अस्ति। अब इसके उत्तर में, इसकी उत्तर दिशा में तिब्बत प्रदेश है और इसकी पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है। हिमालय से नद कंत्रेशु बहुवास ऋषिया मुनि च निवसत। अब हिमालय में बहुत सारे ऋषि और मुनि क्या करते हैं, निवास करते हैं। हिमालय ऋषि नाम मुनि नाम च आश्रमा संति। और हिमालय के यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों के क्या बने हैं, आश्रम बने हैं। भगवत शिवस्य परम रमणीय स्थानम अश्य पर्वतराज कैलाश शिखरे अस्ति। अब यहाँ पे हमारे जो भगवत शिव, हमारे भगवत शिव जी भी यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। और वो कहाँ पे निवास करते हैं, कैलाश शिखर पर। हिमालय अस्माकं प्राचीनानि तीर्थानि सन्ति। अब हिमालय के इधर जो है हमारे प्राचीन बहुत सारे क्या बने, तीर्थ स्थान बने हुए। अमरनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ इत्यादि तीर्थ यानी हिमालय तिष्ठन्ति। अब हमारे अमरनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ ये तीर्थ बने हुए हैं। ग्रीष्म काले जना तीर्थनान हिमालय गच्छन्ति। और गर्मी के समय में लोग यहाँ पर क्या करने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। विदेशी पर्यटक अभी प्रतिवर्षम अत्र भ्रमणार्थम आगच्छन्ति। विदेशी लोग भी प्रतिवर्ष क्या करने आते हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हिमालय भारती नाम गौरव अस्ति। हिमालय जो है वो भारत का क्या है, गौरव है। पूर्ण अनुसारणे मेना हिमालय पत्नी आसीत। पूर्वों जो हमारे पुराणों में मेना जो है वो हिमालय की क्या है, पत्नी है। पार्वती तस्य पुत्री आसीत। और पार्वती क्या है, उनकी पुत्री है। अस्य विवाह भगवता शंकरेण सह अभवत। और पार्वती का विवाह किसके साथ हुआ, शंकर के साथ हुआ है। वयम हिमालय पूजनाम यतसा अस्माकं रक्षक अस्ति। और हम हिमालय की हम क्या करते हैं, पूजन करते, वो हमारी क्या करता है, रक्षा करता है।
महाकवि कालिदास अपनी हिमालय से प्रशंसा करते थे और महाकवि कालिदास ने भी हिमालय की क्या करिए प्रशंसा करिए। अस्य उत्तर दिशा देवात्मा हिमालय नाम नागृत। अब इसके उत्तर दिशा में देवात्मा जो नाग मतलब देवात्मा हिमालय नाम से नागाधिराज से भी क्या इसको जाना जाता है। ये आपका तृतीय पाठ है संस्कृत का है जो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगले क्लास में सेंड करेंगे।